Hey guys, welcome to the new vlog. तो अभी बज रहे सुबह 11 और 11 क्लास चल रही है, मेरा तो ब्रेक चल रहा है, मैं तभी व्लॉगिंग करता हूँ। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट में बना है चिलड़ा प्लस ब्रेड मतलब ब्रेड के ऊपर चिलड़ा लगा दिया, मेरे को टेस्टी लगता है तो मैं ये खा रहा हूँ। और मम्मी कढ़ी बनी थी हमारे घर में, तो मम्मी कढ़ी और रोटी खा रही है, चावल बनने में थोड़ा टाइम है ना, बनने वाले ये हमारा ड्राइंग रूम धोबी रूम बन चुका है, क्योंकि हर रोज बारिश आती है तो मम्मी कपड़े नहीं सुखा पाती ऊपर छत पे, तो मम्मी ने इधर ही सुखा दिया। सबसे मेन बात कि मम्मी का न्यू फोन आने वाला है, क्योंकि जो मम्मी का फोन था वो एक्सचेंज में जा चुका है, मम्मी इसको 3-4 साल से चलाई जा रही थी, वो सारा घिस चुका था चल चल के, तो मम्मी का न्यू फोन आने वाला है। तो मम्मी का फोन बुक हो चुका है और आज डिलीवरी आएगी, मम्मी का फोन एक्सचेंज में जाएगा। और यहाँ पर लव्या कर रही है ड्रॉइंग। लव्या क्या करा रही है मैम? मैम ने रेनी सीजन का सीन कराया है। तो दोपहर बज रहे 2 और मम्मी का न्यू फोन आ चुका है, ये रहा। ये सबसे पहले ऑफिस में आया था तो पापा ने इसको चेक कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। भाई भाई अपने फोन की अनबॉक्सिंग तूने खुद की थी, मम्मी के फोन की मैं करूंगी। करने दे क्या? ये फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और डिब्बा है ऐसा, अब इसको यहाँ से खोल लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा ऐसा कलर का पूरा फोन है और ये बॉक्स के अंदर फोन है। लगा तू ये बता कि जो तू अनबॉक्स कर रही है, तेरे को पता है कौन सा मॉडल है ये और कौन सी कंपनी का है? नहीं गाइस, मम्मी का फोन है MI 10i। तो मैं खोल के बताता हूं, मैं बता रहा हूं क्या-क्या चीजें हैं इसमें। मैं बताया तो ये रियल, तो ये एक 108 मेगापिक्सल इसके अंदर एक कैमरा है, इसके अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर लगा हुआ है और इसकी 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और इसका 4820 mAh की बैटरी है, मतलब 4820। और ये मिडनाइट ब्लैक कलर है इसका और 8GB RAM and 128GB स्टोरेज मिली है। बाकी आगे लगा अनबॉक्स करती है। और इसका 33V का फास्ट चार्जर है और टाइप सी केबल है, मतलब जैसे मेरा फ़ोन आया था बिल्कुल सेम चार्जर है 33V का। जो मेरा फ़ोन था वो था MI 11X Pro और जो मम्मी का फ़ोन है वो है MI 10i। अगर आपने MI 11X Pro जो मेरा फ़ोन आया था उसकी वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाकर देखना इस वीडियो के बाद। इसका डिब्बा है, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। और ये इसका ढक्कन जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ये आया है, इसमें हमारा कवर आया है और ये है हमारा फोन। ये न्यू फोन आ गया और मम्मी वहाँ पीछे कैमरे के पीछे खुश हो जा रही है। बस मम्मी का फोन वैसे एक्सचेंज में आया क्योंकि मम्मी 3-4 साल से चला रही थी, फोन बुढ़ा सा हो गया था मम्मी का फोन भी, तो मम्मी का फोन एक्सचेंज में आया ये। और फ्रेंड्स आपको पता है लगी मम्मी ना बार बार पापा को फोन करी जा रही है, सुनो मेरा फोन आ गया ऑफिस में, सुनो मेरा फोन यहाँ ऑफिस में। और फ्रेंड्स अब मैं इसको कवर चढ़ाती हूँ उस पर। बाकी फ्रेंड्स ये इसकी वो पिन है जिससे सिम डालते हैं निकालते हैं। और ये आई है इसकी USB टाइप सी केबल। अरे और ये 33V का फास्ट चार्जर, तो सेम है मेरे फोन का भी 33V का फास्ट चार्जर है, USB टाइप सी केबल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मम्मा कि एक ही चार्जर खोल लेते हैं, दूसरे चार्जर खोलने क्या जरूरत है, ठीक है। और बैक से इसका कवर है जो कि मैं चढ़ाऊंगी, तो ओपन करते हैं, मजा आएगा। माँ आपका न्यू फोन आ गया, कैसा लग रहा है? ऑब्वियस अच्छा लग रहा है, मेरा फोन बहुत पुराना हो चुका था और पुराना वाला फोन एक्सचेंज में चला गया तो अच्छा है, बढ़िया है। और फ्रेंड्स ये वाला फोन तो मैं चलाऊंगी और ज्यादा तुम ही चलाते, मैं चलाती ही कहां। फ्रेंड्स ज्यादातर तो मैं मम्मी का ही फोन चलाती हूं, तब नमन भाई का चलाती हूं, नमन भाई अपना फोन देखेगा और अभी हमारे ट्यूशन का टाइम होने वाला है। हम तो ट्यूशन का होमवर्क कर रहे थे, इतनी देर में पता चला कि फोन आ चुका है, तो अभी हम करते हैं ट्यूशन का होमवर्क, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ मम्मी भोले बाबा आपके खुश हो रहे हैं क्यों? बारिश हो रही है बहुत तेज। माँ देखो बारिश कुछ पता ही नहीं चलता सावन के महीने में, अभी बड़ी तेज तेज हो गई थी, फिर सब में आंटियों ने आवाज मारी कपड़े उतारो कपड़े उतारो, फिर हम दोनों ने लिए कपड़े उतारे, उसके फिर बारिश धीरे होगी तो बुआ ने कपड़े डाल दिए कि बुआ को लगा अब झुका आया था बारिश नहीं आएगी उसके, और ऐसे तेज तेज बारिश आ गई, फिर वापस आंटियों ने आवाज मारी
कि कपड़े उतार लो कपड़े उतार लो। फिर मैं बुआ के साथ गया कपड़े उतारने, बारिश का तो पता ही नहीं होता कुछ सावन के मौसम में। मम्मी ट्यूशन कैसे जाएंगे, ये अम्ब्रेला छोटा सा, अब हम तीनों तो आ नहीं पाएंगे। आज पापा गए हुए ना सदर, वहाँ से ले आएंगे, मैंने बोल दिया पापा को। तो ट्यूशन नहीं जा पाएंगे फिर तो भाई साहब, अभी अभी रुक जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, अभी ढाई बजी है, अभी एक घंटा पड़ा है, एक घंटा वेट कर। तो यहाँ पर कर रहा हूँ अपना लंच, और मम्मी ने बनाया है कढ़ी चावल, जो कि कैमरे के पीछे बैठी है मम्मी, एडिटिंग कर रही है। मम्मी मम्मी आपको खुशी हो रही है कि आपका फोन आया? आपको खुशी हो रही है आपका फोन आया? क्यों, किसी को नई चीज मिलती है तो खुशी नहीं होती? खुशी तो होती है। तो अभी हमारा ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका है, तो ये देखो बुआ ने क्या करा है, सारी सब्जियां फैला दिया। बुआ आपके दिमाग में खुरफती आइडिया क्या आया? लव्या के दिमाग में आता था खुरफती आइडिया तो। अरे मैंने सोचा ये लव्या भी मतलब शॉप लगाती है, मैं भी आज ना वेजिटेबल की शॉप लगाऊं, फ्रूट्स की शॉप लगाऊं। लव्या से इंस्पायर होकर बुआ ने लगाई वेजिटेबल फ्रूट्स की शॉप। लूट लो, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते माल सस्ते में। आज कितने का मिलेगा? ये मिलेगा 4 रुपए का एक, लेना पैसे दो। आ गई लव्या, क्या हो गया? ये पापा लाए हैं कपड़े टांगने के लिए रस्सी। अच्छा भारी बारिश होती रहती है, इतने दिनों से रोज बारिश हो रही है, कपड़े सूखते नहीं है। मम्मी बहुत अच्छी भूख लग रही है। अच्छा अभी लाती हूँ, लाइट जला दे अंदर की, इधर की भी जला दे, अंदर की भी लाइट जला दे। लाइट जल गई लव्या की, वो देखो सामने क्या है। तू पापा को उस दिन कह रही थी ना, पापा सदर बाजार गए थे, देख तेरे लिए लेके आए हैं, कैसा लगा? मैं नहीं बोला था उनको। हाँ तूने बोला था तो पापा को मिल गया होगा, तेरे लिए तो सारी, तेरे लिए तो सारी चीजें ले आते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें ये भी है सर्कल टाइप का स्केल, और ये ग्लोब है, ग्लोब। मम्मी अब ना हम अगली ट्रिप ना इसमें देख के ही पता लगाएंगे। अच्छा अगली ट्रिप पे कहाँ जाएगी इसको देख के, कहाँ जाएगी इसको देख के अगली ट्रिप में? यूएसए से। यूएसए? अच्छा और कहाँ जाएगी? कहाँ जाए, यहाँ क्या आते? ये क्या है? ये कैमल वाली जगह, कैमल वाली जगह पे क्या? रेगिस्तान। ये है अल्जीरिया। बेकार बेकार है, चल तू ढूंढ ले फिर देखेंगे कहाँ चलना है। पापा को बोलियो, सुन अब पापा को बोलियो, पापा ये ग्लोब लायो तो यहाँ पे जो जो जगह घूमने की है ना इसमें वो जगह दिखा के आओ, हम मार्क करते जाएंगे। दिल्ली तो तुम घूमे नहीं हो, और तो तुम कहाँ जाओगे? हाँ, मैं वही कह रही हूँ, पापा तेरे ग्लोब ले आए हैं, दुनिया क्या घूमोगे, पहले दिल्ली तो घूम लो तुम, दिल्ली तो घूमे नहीं हो। चल तू सर्च कर ले कहाँ जाना है तूने, इतनी देर में तेरे लिए कुछ ले आती, फ्रूट काटा हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए, हम ना यहाँ पे मेरी मैम लैंड के बारे में पढ़ाती है, तो मैं वो इससे ही पढ़ लूंगी। हाँ देख ले, अभी तक कुछ बनाया क्यों नहीं, मुझे भूख लगी है, कपड़े डाल लूं। वाह पापा ने तार लगा दी और आपने यूज भी करना स्टार्ट कर दिया। अरे बार बारिश हो रही है तो फिर मैंने फायदा क्यों ना उठाया जाए। बारिश हो रही है मतलब थोड़ी थोड़ी हो रही है, ज्यादा नहीं है लेकिन है, बारिश तो है। अच्छा जाने मेरी जाने वन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो भी हमने थोड़ी देर पहले पिज्जा ऑर्डर करा था, क्योंकि आ चुके हैं देने के लिए, तो चलते हैं फिर नीचे पिज्जा लेके आते हैं। तो भाई हमारा पिज्जा आ चुका है, तो अभी लवे लेके जा रही है पिज्जा। तो आ गया तुम्हारा पिज्जा, बड़े शौक से पिज्जा खाया जा रहा है, इतने खुश हो गए तुम, फ्रूट भी खाया करो, उसमें तो तुम नाक चिढ़ाते हो अपना। कहाँ खाते हो, पिज्जे जैसी खुशी तो नहीं मिलती तुम्हें उसमें? पिज्जा से पहले फ्रेंड्स हमने सीन नहीं दिखाया, हम फ्रूट की पूरी प्लेट खत्म कर दिया है। वो तो इसलिए करी थी ना कि मैं पिज्जा तुम्हें मंगवाने ना देती अगर तुम नहीं, फ्रूट ना खाते। रहने दो, वो तो तुम्हें पता था अगर वो फ्रूट नहीं खत्म होता तो पिज्जा तुम्हारे को अलाउड ही ना किया जाता। यहाँ पर लवे और पापा खेल रहे हैं शॉपकीपर और कस्टमर। बिल आ गया हमारी वेजिटेबल्स दे दो आप। ओ इसकी शॉप बंद कर दी आपने, अरे हमारी वेजिटेबल्स देते जाओ। ये सारे डब्बे ही दे दूंगा, जाके बेच भी ले थोड़े से। और यहाँ पे खाना ठंडा हो रहा है भाई, खाना खा लो। आज डिनर में बना है मूंग धुली और ये है पनीर लबाबदार जो नमन की बुआ ने बनाया है। चलो अभी खाओ, टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है, पहले खा ले खाना, खा ले जल्दी कर, सारी इसके साथ खेलती रहेगी। और तो पापा आपको पता है मैंने किसने मांगा था ग्रुप पढ़ाई के लिए? गलत जवाब। क्यों? हम
इस पर डिसाइड करेंगे अगली जगह कहाँ जाएंगे। अगर डिसाइड करेगी तो इसी को मैं बैठ के चल गई और उसको ऐसे घुमाइए पहुंच जाइए। नहीं, नहीं, नहीं। कह रही है मेरे को शाम को कि पापा ये लाए है ना तो इधर जो जो जगह है ना इस ग्लोब में हम वहाँ वहाँ घूमने चलेंगे। मैं कहा पहले दिल्ली तो ढंग से तुमने देखा नहीं है, दिल्ली में तो घूम के आए नहीं हो, इतनी दूर दूर कहाँ जाएंगे। पूरी उसका है ग्लोब, पूरी पृथ्वी का है, ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का है। तो इसी बात अच्छी ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आता लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।